हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? कमेंट करके जरूर बताएं। सब कुछ खैरियत है ना? अच्छा चल रहा है सब कुछ, कुशल मंगल चल रहा है। कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित आप लोग पढ़ रहे हैं, आप सबको पता है। कक्षा 9 का पढ़ रहे हैं बाबू, सॉरी, कक्षा 10 का भी पढ़ेंगे अगले एक घंटे बाद, है ना। क्वेश्चन नंबर 7वां चलेगा, 13.3। स्क्रीन पर आ रहा मैसेज तो आपने देख लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा। 50 प्लस टारगेट है आज, बस इससे ज्यादा नहीं। फटाफट शेयर कर दीजिए जल्दी से, जिससे कि हम क्लास शुरू करें, बहुत जल्दी करें। क्लास का समय दिख रहा है ना, देख लो यहाँ पे। एएम का मतलब सुबह का टाइम, पीएम का मतलब शाम का टाइम। क्वेश्चन नंबर 6 कल आपने पढ़ लिया था, आप सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 7 आज करना है। करा एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है, जिसके आधार का त्रिज्यमान सेंटीमीटर, ये थोड़ा गलत लिखा गया है, जिसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इस प्रकार की टोपी 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, जो त्रिज्यमान है ना उस पर कुछ और है। तो बाबू जहां पे त्रिज्यमान लिखा है ना, वहां पर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, बस आप इतना जान लो और कुछ नहीं है, ठीक है। रेडियस 7 सेंटीमीटर है और हाई 24 है। आइए मैं जोकर की टोपी बना देता हूँ। भाई जोकर की टोपी होती कैसे है, आप सबको ये चीज तो पता ही होगा। कुल्फी आपने खाया होगा, आइसक्रीम खाया होगा, उसे उल्टा कर दो, बस यही क्या है, जोकर की टोपी है, कुछ ऐसे ही होती है। इसकी रेडियस दिया है बाबू, कितना दिया रेडियस, 7 सेंटीमीटर। आवाज में थोड़ा शोरगुल है क्या? ये 7 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई दिया बाबू 24 सेंटीमीटर, ठीक है। पूछा क्या है जरा देखना, ध्यान से सुनना, क्या पूछा है समझना। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं बताऊंगा, ध्यान से देखिए। इंग्लिश में भी मैं बताऊंगा, सुनिए हिंदी में। करा एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, जो कि इसमें गलत टाइपिंग है, लिख लेना 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, और उसकी ऊंचाई मींस हाइट 24 सेंटीमीटर है। इस प्रकार के 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ लीजिए। करा अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। Find the area of seat required to make 10 such caps. आइए लिखिए, given means दिया है, यहाँ पे आप लिखेंगे given, given means दिया है। देखो बाबू R दिया है इसमें और आपको H भी दिया है 24 सेंटीमीटर, एंड और क्या दिया भाई, कुछ दिया और का नहीं दिया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हमें सी एस ए फाइंड करना है, लिखिए कर्व सरफेस एरिया, या फिर आप लिख लेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, लिख लीजिए पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, या फिर इंग्लिश में लिखेंगे सी एस ए ऑफ वन कैप इक्वल क्या हो जाएगा, जो अभी तक आप पढ़ते आए हो पाई आर एल, शंकु है ना तो पाई आर एल, बेलन होता तो 2πrh, मान रख दीजिए पाई का मान 22/7, आर का मान मींस रेडियस, रेडियस मींस 7, और यल का मतलब भाई इसमें सेलेंटिंग लाइन दिया था क्या, नहीं यल तो दिया ही नहीं है, क्या करेंगे पहले यल फाइंड कर लेंगे कहीं साइड में, क्योंकि देखो इसका काम लग रहा है फंस रहा मामला। तो बच्चों इस तरह से अगर आप इसमें देखो समझो, अगर फिगर कहाँ गए, ये क्या रेडियस है ना, अगर हम इसको आर से प्रदर्शित करें इफ लाइन को, और बाबू इफ लाइन को अगर हम एच से प्रदर्शित करें, मींस ये हाइट है, ये आर है मींस रेडियस है, और ये यल है, ठीक है, समझो इसमें यल नहीं दिया है, याद रखना ये हाइट है जो दिया है। ये तो मैं लाइन खींच करके यहां लाके बाहर दिखाया हूं, क्योंकि यहां जगह नहीं थी, तो ये एच है, तो यल निकालना है तो क्या होगा, आप देखो एक ऐसे त्रिभुज बन रहा है, बन रहा है ना समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, तो सूत्र लगा दोगे पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा इसमें, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर, समझ रहे हो ना, लगा के देखो फट से, चलो तो चलो लगाओ,
लिखो 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 यल इक्वल, शॉर्टकट में कर लो, इतना आप लोग जानते हो, यल इक्वल अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो बेटा ये 7 का स्क्वायर, ये 24 का स्क्वायर, ये फाइनल में 49 प्लस 576, ये 625 अंडर रूट, ये भी अंडर रूट, ये भी अंडर रूट, इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन स्क्रीन से गुम कर दीजिए। यल का मान 25 आ गया क्योंकि हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, 77 कट गया, 25 दुना 50, 555 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सभी मान जो दिए गए थे आपको क्या दिए गए थे, सेंटीमीटर में दिए गए थे। इस तरह से बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो जल्दी से, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं, क्वेश्चन डन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िएगा। एक महत्वपूर्ण संदेश स्क्रीन पर दिख रहा है, 25 जून से 9th और 10th की सारी क्लासें PVR स्टडी 3.0 चैनल पर चलेंगी। अगर आप इस समय PVR स्टडी इलाहाबाद चैनल या हमारे कोई और चैनल पर हैं तो आप इस पे आ जाएंगे 25 जून अगर बीत चुकी है तब, ठीक है। ये क्लास पहले से ही चलती है इसलिए मैं पहले से इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ 15 दिन पहले से। क्लास के बारे में आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो ये 50+ टारगेट इस समय चल रहा है लाइव करने का, आप लोग कम से कम 25 लोगों को शेयर किया करें। क्लास का टाइम है यहाँ पर स्क्रीन पर देख लो, आप लोग पूछते हो कितना बजे चलता है, ए बी सी डी, इस समय यूट्यूब पे 4 फ्री क्लास चल रही, देख लीजिए अपनी क्लास समझ लीजिए और फिर पढ़ते रहिए। 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा, कह रहा किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है, प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है, यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की जो दर है वो 12 रुपए पर मीटर स्क्वायर है तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी, ये आपको फाइंड करना है। इसमें पाई का मान दिया गया, आपको पाई का मान वही रखना है दशमलव में, ठीक है, और आपको अंडर रूट 1.04 का भी वैल्यू दिया गया है। इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, सुन लीजिए। अब बस स्टॉप बैरिकेडेड फ्रॉम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाई यूजिंग 50 हॉलो कॉन्स मेड बाई रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, ईच कॉन हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 1 सेंटीमीटर, इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कॉन्स टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कॉन्स, ये आपको बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन देखिए लिखे गिवन दिया है, जो दिया है मैंने उसको लिख लिया साइड में, आप देख लो, लिखो गिवन, गिवन लिखने के बाद क्या करोगे बच्चा पार्टी, ध्यान दो, आप फार्मूला लगाओगे, कौन सा फार्मूला लगेगा, एक चीज और इसमें रेट भी दिया है, पेंट करवाने का रेट, रेट दिया है कितना दिया है 12 रुपया पर मीटर स्क्वायर, ये क्या दिया, रेट दिया है। तो बच्चों पहले तो फिगर बना लो भाई, क्वेश्चन को छोटा करके हम एक फिगर बना लेते हैं, एक चित्र बना लेते हैं साइड में, देखो एक कॉन के जैसे, मतलब शंकु के जैसे चित्र बनाएंगे, बस अड्डे को क्या किया जा रहा है, शंकुआकार में अलग किया जा रहा है, मतलब काट काट के कुल मिला के इसको तोड़ा जा रहा है, इसका रेडियस 40 है, मतलब व्यास 40 है भैया बाबू, ये नीचे क्या 40 है, इसकी हाइट जो है ये दिया है 1 मीटर, ठीक है, ये बीच वाली जो है वो 1 मीटर दिया है, यही तो दिया है। इसमें देखो यल का एक मान दिया है, अभी सूत्र लगाओगे जो पाई आर यल, तो इसमें यल का काम लगेगा और यल कहीं दिया नहीं है, समझ रहे हो, अगर डायमीटर 20 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में चेंज करोगे तो 0.2 मीटर आएगा, तो बाबू क्या करोगे, यहां से पहले यल फाइंड कर लोगे आप, तो यल बराबर आपको पता है, अगर इसको हम लंब मान लेंगे, इसको आधार मान लेंगे, इसको बेस और इसको कर्ण मान लेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है ना, आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर, स्क्वायर हटता है तो वर्गमूल लग जाता है,
तो ये आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये क्या है स्क्वायर है। सारे मान ला के पुट कर दो, फटाफट सारे मान रख दो, आंसर दौड़ के आ जाएगा। आर मीन्स रेडियस, देखो बाबू रेडियस 0.2 दिया है, हाइट दिया है 1, ये हो जाएगा 0.04 और ये 1, क्यों 0.04 हो जाएगा ना, थोड़ा कम दिख रहा होगा क्योंकि पतला चल रहा है ना, पकड़ नहीं पा रहा ना कैमरा, चलो कोई बात नहीं है। ये हो जाएगा आपका यल, बाबू देखो इसको जोड़ोगे भैया तो 1.04 आएगा, क्योंकि इसका मान दिया है, इसका मान आपके बुक में कहा था कि 1.02 दिया है, ये दिया है 1.04, अगर अंडर रूट में है तो उसका मान नीचे दिया है, हम कहेंगे कि यल का मान 1.02 आ गया, ये सेंटीमीटर, ठीक है। एनी डाउट? नहीं। अब लिखो, इसको मैं इधर साइड मिटाऊंगा, मैं यहीं पे लिखवाऊंगा, लिखो सी एस ए ऑफ वन कॉन, एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले एक का निकाल लोगे फिर 10 से गुणा कर देना, जितने का भी निकालना उससे मल्टीपल कर देना। तो लिखो सी एस ए ऑफ वन कॉन, पहले लिखो एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, लिखो अच्छा दिख रहा है ना ऊपर, तो एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बाबू, पाई आर एल, इसका मान रख दो 3.14, आर मीन्स रेडियस, इसका वैल्यू 0.2 आया था ना, 0.2 इंटू यल, यल का मान अभी अभी हम लोगों ने फाइंड किया है जो कि कितना आया था 1.02, इन सब का आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा पता है, हल करके देखो भाई, देखो इसका गुणा कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका 12 × 2 = 24 और 3 अंक पर दशमलव लग जाएगा, 0.024 हो जाएगा, समथिंग ऐसे कुछ ना, फिर इसका उसमें गुणा करोगे तो क्या आएगा जानते हो, 0.640 × 56 करके देखो, 0.64056, ये क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सभी मान सेंटीमीटर में दिए हैं, क्या मीटर में दिए हैं यार भाई, ये सब मीटर में दिया गया था ना, तो मीटर क्यूब करोगे सेंटीमीटर क्यूब नहीं, ये वन कौन कहा गया क्वेश्चन में देखो तो इसमें 50 खोखले शंकुओं के बारे में बात की गई थी ना, तो आप लिखोगे 50 शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे वन कहा गया वैसे 50 शंकुओं का सी एस ए मतलब कर्व सरफेस एरिया, तो इनको क्या करोगे बाबू 50 से आप गुणा कर दोगे, 64056 को 50 से गुणा करोगे, गुणा करके आप देख लो तो 32.028 आएगा, ये मीटर का क्यूब, ये 50 का आ गया, चूंकि इसमें हमें रेट निकालना है खर्चा, कितना खर्चा लगेगा, तो आप लिखोगे कॉस्ट इक्वल फार्मूला होता है एरिया गुणे रेट, तो लिख लो एरिया गुणे रेट, हिंदी वाले लिखेंगे लागत बराबर कुल पेंट करवाने का खर्चा बराबर या लागत बराबर क्षेत्रफल गुणे दर, हिंदी वाले लिखेंगे ठीक है, क्षेत्रफल गुणे दर, दारा दर, ठीक है ओके चचा। चलो क्षेत्रफल कितना आया था भैया, ये आया अभी 32.028, दर है 12 रुपया per m³, फाइनल में गुणा करोगे तो 384 रुपया 40 पैसा आएगा, ये क्या आया, ये खर्चा आया, ठीक है किसी को कोई डाउट तो बोलो, एनी डाउट, नहीं ना कोई डाउट है तो बता दो बिल्कुल कि हाँ मुझे डाउट है। बच्चों इस तरह से आपका एक्सरसाइज 13.3 एंड हुआ और एक नया चैप्टर पढ़ेंगे हम 13.4 अगली क्लास से, कुछ भी कहना है तो कमेंट करके बता दो मुझे, बिल्कुल टेंशन मत लो, लेकिन हाँ क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, साथियों को खूब शेयर करिए, जितना ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे हम उतनी बेहतरीन क्लास लेके आएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत सलूशन का, तो शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, अपने साथियों को लेके आओ, 25 जून के पहले अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो ये सूचना आप ही के लिए है, स्क्रीन पर जो दिख रही है इसे ध्यान से देखें और प्यार से देखें।
अभी इस समय रेगुलर स्टार्टिंग के लाइव का 50 प्लस टारगेट होता है, आप लोग कम से कम एक एक अपने मित्र को शेयर करें, जरूर करें, निवेदन है आप लोगों से। क्लास का टाइम दिया गया बच्चों, कक्षा 7 का, 8 का, 9 का, 10 का क्या कैसे है सब स्क्रीन पर पढ़ लो, नहीं समझ में आता तो बताना। थैंक यू।